जिला और वहाँ के जितने भी साधक हैं उनका श्रेय बहुत रहा है कि उन्होंने नौकरी करते हुए भी अपने परिवार को और अपने आश्रम को जुटाया है। जैसे अभी मैं कहूँ तो हमारे भंडारा के ठाकरे बहुत मेहनत करते हैं कि अपना आश्रम उन्होंने निखिल चेतना केंद्र की स्थापना वहाँ भी की है, वाराणसी में भी चल रहा है, बहुत चंद्रपुर में भी चल रहा है। ये सारी जो शाखाएं हैं जहाँ चलना की चलने की निखिल चेतना केंद्र चलने की बात कह रही है, ये सब उन सभी का श्रेय है जो गुरु मंत्र जप की शक्ति से काम करते हैं और गुरु मंत्र की शक्ति से ही आगे चल रहे हैं और चलना चाहिए। आज जो आपके सामने सब कुछ दिख रहा है ये अगर मैं कहूँ तो परम पूज्य सद्गुरुदेव जी की कृपा, बिना कृपा के तो हो नहीं सकता, लेकिन उनका 30 साल का मंत्र जप का क्या श्रेय है जो आप मेरे सामने बैठे हुए हैं। मेरी एक ही इच्छा है, हर गुरु ये चाहता है कि मैं बैठूं उठूं तो लोगों को पैसा किस प्रकार दूं, शिविर में आने के लिए पैसा, रहने के लिए पैसा, खाने के लिए पैसा, उसको साधना के लिए बात नहीं करेंगे। वो आने से पहले शिविर में ये बात करेंगे कि गुरुजी आपके पास, मुझे फ़ोन कभी कभी आते हैं, कुछ फ़ोन कैसे आते हैं, गुरुजी मेरे बच्चा बीमार है। मैं बोला ठीक है भाई, देख लूँगा, पूजा करता हूँ। कितना पैसा होगा भाई? मैं पूछा हूँ क्या तेरे को पैसा? मैं पूजा करता हूँ बोला ना, नहीं वो ऐसा नहीं पूछेगा, पहले तेरे को पूछेगा पैसा कितना। हमारा ये जो सिस्टम हो गया है अध्यात्म का, पूरा इस तरह हो गया है कि उसमें पैसा ही एकमात्र हो गया है। मैं आज ये 22 साल की तपस्या करता हूँ और मैं मेरे साधकों, मेरे शिष्यों, मेरे भक्तों, गुरु जी के भक्तों के ऊपर गर्व करके कहता हूँ, आज मुझे कभी शिविर करता हूँ तो कभी पूछना नहीं पड़ता। मेरे पूछने से पहले मेरे शिष्य पूछते हैं कि हमें गुरु कार्य में क्या करना है। मैं वो डिमांड करता तो मैं वो उस पैसों का धंधा मैं नहीं करता। मेरी भावना के साथ, आज बाक्सर हो या और कोई हो, हरि कृष्णा हो, कोई भी हो, हमें क्या करना है वो पूछते हैं कि हमें क्या करना है। मुझे इसका गर्व है कि मैंने ऐसे शिष्यों को, ऐसे साधकों को बनाया है कि वो लोग कुछ भी कार्यक्रम को पहले कहते हैं कि हमारा इसमें श्रेय क्या है, हमारा इसमें योगदान क्या है, और वो सामने आते हैं। मुझे कुछ देखना ही नहीं पड़ता, ये गुरु कृपा है मुझ पर कि मुझे कुछ देखना नहीं पड़ता, मेरा सारा काम होता है। आज आप किसी बिना शुल्क के यहाँ है, बिना शुल्क के यहाँ बैठे हुए, बिना शुल्क के आप खाना खा रहे हैं, बिना, तो ये सभी उन साधकों का श्रेय है जो मेरे को हरदम, मेरे हर क्षण मेरे कार्य के लिए सहायता के रूप में मेरे साथ होते हैं। मेरे को कभी ये आज होता होगा, मैंने आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में गत 5-6 सालों से मेरी गुरु पूर्णिमा की पत्रिका अगर आप पढ़ते हैं तो मैं उसमें लिखता हूँ। मैं गुरु पूर्णिमा को आओ ऐसा आह्वान आपको कभी नहीं करता, निमंत्रण देता। अगर आह्वान देता हूं तो तुम्हारा अपमान है, क्योंकि तुम गुरु के प्रति निश्चेष नहीं हो। मैं गुरु पूर्णिमा की सूचना देता हूं, ये तारीखों में गुरु पूर्णिमा है, आना नहीं आना आपका कर्तव्य है, क्योंकि गुरु के पास गुरु पूर्णिमा में आने वाला पूर्णता को प्राप्त करता है। पूर्णिमा कहा गया है, उसे पूर्णता प्राप्त करता है। जो गुरु पूर्णिमा में अपने गुरु के पास नहीं आता, गुरु के चरणों को नहीं छूता, उसकी उसको पूर्णता प्राप्त नहीं होती। गुरु पूर्णिमा मैंने कहा है आपको, मुझे कहीं भी मिलाओ मैं आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन गुरु जन्म दिवस हो या गुरु पूर्णिमा हो वो यही होगी। अब तो गुरु जन्म दिवस भी आप बाहर मनाने की सोच रहे हैं, गुरु पूर्णिमा तो निश्चित रूप से यहाँ होगी। और आपको निवेदन करता हूँ कि आप गुरु पूर्णिमा को बिना थके बिना मांदे यहाँ जरूर आएंगे। और आज भूम का बाला भाऊ का 15वां साल शायद है, वो चलते 450 किलोमीटर से, कोविड हो कुछ भी हो आते ही आते हैं, सभी लोग देखते हैं कि वो लोग आ रहे हैं, ये उनकी निष्ठा है, उन्होंने कभी रोका नहीं। गुरु जी हम इस तारीख को निकल रहे हैं ये बात बोलते हैं। सच तो मैं ये कहता हूँ कि वो जब निकल के चलते हुए आते हैं, मैं रोज शाम में उनसे ये कहता हूँ कि कहीं बारिश तो नहीं हो रही, कहीं आप रुक तो नहीं गए, किसी को बुखार तो नहीं आया, ये बात मैं मेरे मन से मैं कर लेता हूँ। और जब वो वहाँ पहुँचते हैं कि गुरु जी हम सकुशल आ रहे हैं, तो बोलता हूँ परम पूज्य सद्गुरुदेव जी आपकी हम सब पर कृपा है, हम यहाँ नहीं। मैं किसी को भी जाते समय यही चाहता हूँ कि आप सकुशल लौटे और अच्छे लौटे। मैं इसके पूर्ण रल्ल के साथ कहता हूँ, हर अमावस्या को 400 से 500 600 लोग यहाँ होते हैं, और किसी को भी पूछो कोई मास्क पहन के आता है क्या? मेरे गुरुजी पर और मेरे इस निखिलेश्वरानंद जी के निखिल चेतना केंद्र पर, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी पर यह भरोसा जरूर है कि हजारों लोग भी आए गए लेकिन किसी कोविड से कोई मरा ऐसा नहीं हुआ, आया होगा कोविड चला भी गया। मैं आशीर्वाद देता हूँ कि ऐसा ही हो और ऐसा ही दिन देखने को मिले। जिसने विश्वास किया वो आगे बढ़ा, जिसने विश्वास किया वो आगे चला, और गुरु जी ने उसकी रक्षा की। हो सकता है मैं
कि ये बात जीवन के अगले क्षण तक, ऐसे वेव कितने भी आए और वेव कितने भी चले, हम डूब के बाहर निकलेंगे, हम डूबेंगे नहीं, हम तैर के आगे निकलेंगे, बाहर आएंगे, हमें कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि गुरु जी हमारे साथ है। हम आशीर्वाद देते हैं आप सभी को कि आपका कार्य हो। आप सब लोग आप विश्राम के लिए जा सकते हैं। एक बार पुनः जय घोष करेंगे, बोले परमपति सदगुरु भगवान की। आप सब लोग जो जाना चाहते हैं, फिर भी मेरा इतने कहने पर भी जाना चाहते हैं, वो लोगों को आशीर्वाद।